चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Hello viewers, good morning and welcome again to IFMC. Myself Manish Taneja. Aaj hum jo topic karne ja rahe hain uska title hoga इंडेक्स। हम लोग बहुत सुनते हैं स्टॉक मार्केट में कि निफ्टी, सेंसेक्स क्या चीजें हैं। बेसिकली मार्केट को नापने के लिए, मार्केट का हाल जानने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो दो टर्म हमारे यहाँ बड़ी नॉर्मली यूज होती हैं, जिसमें एक है निफ्टी और एक है सेंसेक्स। तो बेसिकली दोनों में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे कि हमको बुखार हो जाए, अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर हमारे को थर्मामीटर लगाता है और थर्मामीटर लगा के हमको ये पता लग जाता है उसको कि पेशेंट को कितना बुखार है, बुखार ज्यादा है या बुखार नहीं है। तो बेसिकली मार्केट के नर्व्स को जानने के लिए, मार्केट के सेंटीमेंट्स को जानने के लिए कि मार्केट कैसा चल रहा है, तो उसको जानने के लिए हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखते हैं। निफ्टी के 50 स्टॉक्स से मिलकर बना हुआ है। ये निफ्टी के जो टॉप, जिनकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनका एक एवरेज निफ्टी लेता है। ऐसे ही बॉम्बे के अंदर जो 100 स्टॉक्स हैं, उनको उनका एक एवरेज जो कि किस तरह से वो 100 स्टॉक्स ने रिएक्ट किया है आज के दिन मार्केट में, अगर वो बढ़े हैं तो सेंसेक्स बढ़ेगा, अगर वो गिरे हैं, ज्यादा उनमें से गिरे हैं, तो सेंसेक्स गिरेगा। तो इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स में कोई मेजर चेंज नहीं है। बस फर्क इतना है कि निफ्टी मेरे ख्याल में 1994 के आसपास आया, या जब एनएससी बनी है, तो 1994 से आई थिंक एनएससी निफ्टी का ये चालू हुआ। और बॉम्बे हमारा बहुत पहले से चल रहा है, जो मुझे याद है 1980 में सेंसेक्स 100 रुपए था, यानी कि 100 था इंडेक्स। आज के डेट में, आज है हमारा 2018, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं, सेंसेक्स तो हो गया 35,000, 100 से 35,000। निफ्टी आया है करीब 95 में, और उस समय निफ्टी का जो स्टार्ट हुआ था वो 1100 से स्टार्ट किया था, और आज निफ्टी है अप्रॉक्सीमेटली 10,500। तो अगर मोटे तौर पे आप मान के चलें तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर 3.5 गुने का रफली फर्क होता है। अगर निफ्टी 10,000 है तो सेंसेक्स 35,000 होगा, ठीक है। तो आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स पुराना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है, और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। तो अगर मेरे को मार्केट बड़ी है तो ऑब्वियसली सेंसेक्स भी बड़ा होगा और निफ्टी भी बड़ी होगी। ऐसा बहुत हो जाता है, ये भी होता है कभी कभी कि निफ्टी तो कम बड़ी, सेंसेक्स ज्यादा बढ़ गया। रीजन वही, क्योंकि इसके अंदर 100 स्टॉक्स हैं, अगर ये वाले स्टॉक्स ज्यादा बढ़ गए तो कंपैरेटिवली सेंसेक्स थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन वो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ता। तो निफ्टी और सेंसेक्स का हमको बेसिक समझ में आ गया। अब कई लोग ये पूछते हैं मेरे से कि सर निफ्टी भी ट्रेड होता है, राइट? निफ्टी ट्रेड होता है, निफ्टी नॉर्मली ट्रेड होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट है, मैं इसको अभी डिटेल में बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि निफ्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं,
एक आम इन्वेस्टर, एक बिगनर अगर चाहे तो वो निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज रहती है, सेफेस्ट चीज रहती है किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से। एग्जाम्पल के लिए अगर ये टॉप 50 कंपनियां हैं, इनमें से मैं 5 कंपनी के अंदर पैसे डाल देता हूं, 1000-1000 रुपए मैं 1000-1000 रुपए 5 कंपनी में डालता हूं, 5000 रुपए। हो सकता है ये 5 कंपनियां परफॉर्म ना करें अगले 5 साल में या अगले 3 साल में, ये 5 कंपनियां परफॉर्म ना करें, लेकिन बाकी की कंपनीज ने परफॉर्म किया, तो क्या होगा, मेरा पैसा बढ़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये 5000 रुपए मैं केवल निफ्टी में डाल देता तो क्या होता कि ये 5000 रुपया मेरा टॉप 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट हो जाता। तो टॉप 50 का मतलब ये होता है कि निफ्टी हमेशा टॉप 50 को ही अपने अंदर रखेगी। हो सकता है कि 5 स्टॉक जो मैंने लगाए हैं ये अगले 3 महीने में, 1 साल में या 2 साल में निफ्टी से आउट हो जाए अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पैसा तो उन्हीं कंपनीज में लगा हुआ है, तो मेरा रिटर्न वो नहीं आ पाएगा। लेकिन जब मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी क्या, निफ्टी एनएससी जो बॉडी है वो उसको निफ्टी को गवर्न करती है कि उसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स रहेंगे। वो हो सकता है कि कुछ ठीक स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता जा रहा है, जो कंपनीज ग्रो नहीं कर रही हैं, वो ऑटोमेटिकली निफ्टी से आउट होती जाएंगी। और जब इस तरह की कंपनीज आउट होती जाएंगी तो जो अच्छी कंपनीज हैं वो उनकी जगह लेती जाएंगी। तो अल्टीमेटली जब भी मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूं, मेरा पैसा हमेशा टॉप की 50 कंपनी में रहेगा। टॉप की 50 कंपनी में हमेशा रहेगा मतलब अगर मैंने 2018 में पैसा इन्वेस्ट किया है टॉप 50 कंपनी में, तो 2019 में भी टॉप 50 ही रहेंगी और 2024 में भी टॉप 50 रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है वो एनएससी कर रहा है, एनएससी ऑटोमेटिकली उन स्टॉक्स को आउट कर रहा है वहां से जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनमें ग्रोथ नहीं है। तो मैंने जहां पैसा लगाया था निफ्टी में, तो मेरी रिटर्न्स हमेशा, चाहे 2018 हो या 2024 हो, मेरा पैसा हमेशा टॉप 50 की कंपनियों में ही रहने वाला है। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरी रिटर्न्स हमेशा बेटर रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक आपने लगाया और वो निफ्टी से भी ज्यादा उसने रिटर्न दे दी, लेकिन ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। या तो आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई हो, अगर आपने पर्टिकुलर किसी स्टॉक में रिसर्च करी हो और आपको लगता है कि वो स्टॉक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा बाकी मार्केट से, तो आप जरूर उसमें पैसा लगा सकते हैं। लेकिन निफ्टी में पैसा लगाने के लिए मैं उनको बोल रहा हूं कि एक तो जो लोग बिगनर्स हैं, और जिनको स्टॉक मार्केट का एस नहीं आता और उनको स्टॉक्स में पैसा लगाना है, तो आप कुछ मत करिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा लगा दीजिए। या सेकंड ऑप्शन, आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो रिस्क आप लें और आप बिगिनर हैं और आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता और आप फिर भी करना ही चाहते हैं, तो आप निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी टॉप 50 है। टॉप 50 का मतलब मैंने हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कामयाब 50 कंपनियों में पैसा लगा के छोड़ दिया। अगर ये कंपनियां ग्रो करेगी तो मेरा पैसा ग्रो करेगा। और मेरा मानना यही है कि अगर मुझे पता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, और इंडिया जब ही ग्रो करेगा जब निफ्टी भी ग्रो करेगा,
निफ्टी ग्रो करेगा तो मेरी 50 कंपनियां भी ग्रो करेंगी। तो जिनको स्टॉक मार्केट की कम समझ में है वो निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं। अब बात आती है कि निफ्टी में पैसा लगाना कैसे है, क्या निफ्टी का कोई स्टॉक है? हाँ, निफ्टी का स्टॉक इक्विटी में नहीं है, इसको हम बोलते हैं, आपने इसका नाम आता है निफ्टी 20। निफ्टी 20 एक स्टॉक की तरह काम करता है, हालांकि ETF है, इसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं। आप निफ्टी में पैसा अगर आपको लगाना है तो आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं। अगर निफ्टी से 10,000 रुपए चल रहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका 1/10 चलता है, 1/10, यानी कि अगर निफ्टी 10,000 है तो ये अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपए होगा, और अगर निफ्टी 20,000 रुपए हो जाएगा तो ये 2,000 हो जाएगा। तो ये निफ्टी के साथ साथ चलेगा। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर आप मिनिमम आप 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक छोटा आदमी जो महीने के 1,000 रुपए या दिन के 1,000 रुपए लगाना चाहे, वो 1,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट से अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता है, और ये सबसे बेस्ट वे है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग का। अगर आप इसको एज ए SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, आपने हर महीने हर 2 महीने में आपने फिक्स कर लिया कि मुझे 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 रुपए निफ्टी के निफ्टी 20 में डालना है, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो ओवर लॉन्ग पीरियड, 5 साल 6 साल। तो ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में आने के लिए, उनके लिए जिनको स्टॉक मार्केट का S नहीं आता। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को और चेंज कर सकते हैं निफ्टी के अलावा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें एक गोल्ड ETF भी आता है। अगर आप चाहते हैं मेरा सारा पैसा निफ्टी में ना रहे, स्टॉक्स में ना रहे, थोड़ा पैसा गोल्ड में रहे, तो हम एक आता है इसका गोल्ड 20, ये भी ETF है। अगर गोल्ड 27,000 रुपए चल रहा है तो ये रफली 2,700 रुपए चलेगा, गोल्ड 30,000 चल रहा है तो ये 3,000 रुपए चलेगा, ये भी उसका 1/10 ही रहता है। और आप गोल्ड में भी इसी तरह से पैसा लगा सकते हैं, और ये गोल्ड आपको फिजिकली गोल्ड नहीं मिलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा। आप जितना गोल्ड 20 ले रहे हो, आज आपने 2,700 का लिया, कल आपने 2,700 का और लिया, आपने साल भर के अंदर आपने 10 ग्राम इकट्ठा कर लिया, उसके बाद आपने 500 ग्राम इकट्ठा कर लिया पूरे 5 साल में, तो 5 साल के बाद जो भी रेट चल रहा होगा गोल्ड का, आप उसको इजीली सेल कर सकते हो, और उसके अंदर लिक्विडिटी आप लोगों की इन दोनों में बनी रहती है। ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है, इसके अंदर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। नंबर वन, आप इसको आज लेके 5 दिन के बाद भी बेच सकते हो, आज लेके आपको मन बदल गया आज भी बेच सकते हो, कल भी बेच सकते हो, तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन जो टैक्स है वो भी आपको नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि 1 साल के बाद हमको वो नहीं, अभी थोड़े से चेंजेस हुए हैं लेकिन वो बहुत छोटे इन्वेस्टर के लिए मैटर नहीं करते, बड़े लोगों के लिए, तो आपको इसमें कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलेगा अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो। तो निफ्टी और गोल्ड 20 ये एक अच्छी मेरे हिसाब से वो है कि इनमें आप पैसा, जो लोग बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट को रीड नहीं करते हैं और केवल निफ्टी के बेसिस पे ही काम करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में और समझने के लिए आप IFMC इंस्टीट्यूट में हमारे काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, नीचे आपके पास नंबर्स आ रहे हैं, और डिटेल में अगर आपको कुछ और समझना है तो आप उनसे पूरी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th Saturday को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है, ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर, या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889
9810260089।